एपिलेप्सी यानी मिर्गी, ये एक ऐसी बीमारी है जो आज हर 1000 में से 5 से 10 लोगों को है, और इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां हैं। हमने आम पब्लिक से जानने की कोशिश की कि वो मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। भाई, मिर्गी के दौरे के पर्पज से तो ऐसा है कि एक औषधि प्लस गधे का दांत आता है। पुरानी पद्धति के हिसाब से तो ये चीज़ें हैं। 1-1.5 घंटे में उसको होश आता है, पानी पिलाने से या उसके शरीर पर पानी डालने से। वैसे इसका इलाज हॉस्पिटलों में मुश्किल ही होता है। मिर्गी का दौरा पुराने अपना जूता सुंघाने से ठीक होता है। सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई ऐसा मतलब जो एक केमिकल वाइज, आप जैसे कि जूता जिसके अंदर थोड़ी सड़न ज़्यादा होती है, सड़ा हुआ प्याज हुआ या किसी प्रकार पानी वानी, इसकी तरह आप उसकी मिर्गी का दौरा ठीक कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि मिर्गी के प्रति लोग बाग ज़्यादा जागरूक नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा खुल के डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने एक लघु फिल्म का निर्माण किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म देखने के बाद आपका मिर्गी रोगियों के प्रति जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी और आप इस बीमारी को खुल के डिस्कस भी करेंगे। सोनू बेटा, अब बहुत हो गया टीवी देखना, चलो पढ़ाई करो। मम्मा, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, टीवी देख रही थी तब कुछ नहीं, अब तुझे पढ़ने के लिए कह रही हूँ तो नींद आ रही है। चलो ठीक है, फिर सोनू वाला गेम मैं अकेले ही खेल लेती हूँ। अकेले क्यों, मैं हूँ ना। आपको तो नींद आ रही है ना, पहले आ रही थी, अब नहीं। प्लीज मम्मा। नहीं नहीं, तुम सो लो। मुझे सोना नहीं, मुझे खेलना है, प्लीज मम्मा। अच्छा, एक शर्त पे, खेलने के बाद पढ़ाई करोगी? पक्का, प्रॉमिस। तो शुरू करें। मम्मा, रिकॉर्ड भी करूँ ना, पापा को भी भेजूंगी। ठीक है, ओके, रेडी? हाँ। सोनू, मम्मी पापा को प्यार करती? करती। मम्मी पापा की प्यारी बेटी? बेटी। सोनू के पापा लगाए चश्मा? चश्मा। चश्मे का आकार गोल गोल? गोल गोल। तुम्हारे से मीठी बोल बोल? तुम्हारे से मीठी बोल बोल। सोनू बेटा, चीटिंग नहीं। बेटी को कुछ भी नहीं होगा सोनू की मम्मी। मेरे ऑफिस में काम करता रमेश, उसकी बच्ची को भी ऐसा ही हो गया था। वो उनके जानकार हैं एक तांत्रिक बाबा, उन्होंने झाड़ फूंक की और वो बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, अच्छी बात है। तो फिर अपनी सोनू को भी वहीं ले चले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा कि कल वो बाबा हमारे घर ही आ जाएंगे। मैं अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने, कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बच्ची। ओम ब्रिंग ब्रिंग ओम फट स्वाहा, ओम ब्रिंग ब्रिंग ओम फट स्वाहा। अंगमास पत्र युक्तास, अगर पतास कृत का निकल कर दिवाली तो अपना करियो निकलना के बेला। बोल इस लड़की पर किसने क्या काबू, बोल बोल बोल। मेरी बच्ची को हुआ क्या है बाबा? इस पर गंदी आत्माओं का सारा है, सारा है। कुछ भी करिए बाबा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए बाबा, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम इस लड़की का इलाज करेंगे, मगर 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 खर्चा बहुत आएगा, बहुत आएगा।
आप जितना भी बोलोगे मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता नहीं, तुम छोड़ो सोनू को, इसकी तबीयत खराब है, उसी का ही इलाज करने के लिए तांत्रिक बाबा इसे झाड़ा लगा रहे हैं। हुआ क्या है सोनू को? इस पर गंदिया वापस आया है, तो सिर्फ तो सिर्फ तो सिर्फ हम इसका इलाज कर सकते हैं। हुआ क्या है सोनू को? ये कल सुबह खेलती खेलती गिर गई, बेहोश हो गई और इसके मुंह से झाग निकलने लग गए और ये ऐसे कांपने लग गई, बेहोश हो गई मेरी बच्ची। अरे वो तो मिर्गी का दौरा था। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मिर्गी का दौरा था? वो इसलिए भाई साहब क्योंकि मैं भी मिर्गी की पेशेंट रही हूँ। इसका इलाज ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास नहीं बल्कि डॉक्टर के पास है। बहुत देखे तुम्हारे जैसे बाबा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मेरी बच्ची का इलाज बाबा, आपसे तुम्हारा इलाज अभी डॉक्टर करेगी। बाबा, हम इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे। अरे आपने क्या किया? क्या कर दिया नरमी तुमने? अब मेरी बच्ची का क्या होगा? सोनू का इलाज होगा भाभी, और क्या? भाभी आपको पता है मैं भी इस बीमारी से पीड़ित रही हूँ, मेरा भी इलाज चला है, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये बीमारी दूर हो जाती है। आपको मैं अपनी कहानी बताती हूँ, ये बात उन दिनों की है जब लड़के वाले मुझे देखने आए। बहुत खूब। शिवराज जी, गुजर जी ने हमको जैसे ही बच्ची की फोटो दी हमें बच्ची पसंद आ गई, और बाकी तो ये सब फॉर्मेलिटी है। रही बात आपसे मिलने की, तो ये तो एक बहाना है। श्यामलाल जी, ये तो आपका बड़ापन है, और हमारी खुशनसीबी है कि आपको हमारी बच्ची पसंद आ गई। देखिए बच्ची तो पसंद आ गई ठीक है, लेकिन हम ये भी तो मालूम करें कि बच्ची को हमारा लड़का पसंद है कि नहीं है, है? बोलो बेटा। श्यामलाल जी, बच्ची क्या बोलेगी, जहाँ हम कहेंगे बच्ची वही शादी करेगी। बहुत अच्छे संस्कार है शिवराज जी, बहुत अच्छे। देखो बेटा, इस रोहित को हमने आप जैसे ही संस्कार दिए, इसने MBBS किया है और अभी प्रैक्टिस भी कर रहा है, और आने वाले थोड़े टाइम में मैं इसको खुद का अपना क्लिनिक खुलवा के दूंगा। शिवराज जी, हमको तो ये रिश्ता मंजूर है। हम आभारी हैं साहब। अरे तुम बैठी बैठी मुंह क्या देख रही हो? अरे आप संदीप जी बन गए थे, कुबरा साहब है, जाओ लड्डू लाओ, मीठा कराओ। हाँ अभी नाती हूँ। वो क्या है श्यामलाल जी कि बस सुनो क्यों भाजी? भाजी उठे आ, ठीक हवा लीजिए। ये तो मिर्गी का तोड़ है। पंडित जी ये दुपट्टा उठाने में मदद कीजिए। आंटी जब भी मिर्गी का दौरा आए ना तो ऐसी नुकीली चीज पास में भी नहीं रखनी चाहिए, और ऐसा चम्मच या किसी अन्य चीज से जबरदस्ती मुंह खोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब रखिए इसे, हटाइए इन सबको, और मेरी मदद कीजिए टेढ़ा खिलाने में ताकि झाग मुंह के अंदर ना जाए। अरे बेटा ये छूट की बीमारी है, तुमको लग जाएगी, और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। अरे ऐसी लड़कियां मंदबुद्धि होती है, पागल होती है, और जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। हम ही मिले थे यार पागल लड़की को हमारे गले में डालने के लिए। किस बात कर रहे? अरे आप पर समझी? अरे काय के समझी? समझी है, है? इसके लिए मैंने अपने लड़के को MBBS करवाया, इतने लाखों रुपए खर्च किए कि ये पागल लड़की को कभी मां नहीं बन सकती, ये इनके गले में पड़ जाए। और इस गुर्जर को तो मैं देख लूंगा। चल बेटा। ओके बाबा, ना ही तो ये बीमारी छूत की होती है, और ना ही मिर्गी के मरीज मंद बुद्धि होते हैं। और रही बात पागलपन और मां ना बनने की, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब झूठ है। अगर मिर्गी के मरीज का सही तरीके से इलाज किया जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। और वैसे ही पापा,
हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और आज के जमाने में भी आप इसी दकियानूसी और अंधविश्वास वाली बातें करते हैं। एक बात सुन लीजिए बाबा, मुझे लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। क्या? ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इस तरह से जैसे मेरा इलाज हो वैसे सोनू का भी इलाज होगा। आपको बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है, और हाँ, ऐसी बातों में छुपाना नहीं चाहिए। अब हम आपको मिलवाते हैं इस फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर आर के सुरेखा से, जो न्यूरो फिजिशियन है और फिलहाल महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इस फील्ड में अभूतपूर्व कार्य की वजह से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसके अलावा ये एपिलेप्सी केयर और रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में पिछले 24 सालों से हर महीने के पहले मंगलवार को निशुल्क मिर्गी रोग शिविर रतन नगर जिला चूरू में लगाते हैं, जहां पूरे भारत वर्ष से 6,500 मिर्गी रोगी पंजीकृत हैं, और इस निशुल्क शिविर में 4 डॉक्टर्स की टीम लगभग 700 पेशेंट्स को हर महीने देखती है और उनका मुफ्त में इलाज करती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर तुरेखा की राय। एपिलेप्सी, देखिए, मिर्गी रोग को एपिलेप्सी भी कहा जाता है, और ये एक मस्तिष्क का रोग है, और जैसा आपको मालूम होगा कि मस्तिष्क में हमारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें कि विद्युत का प्रवाह होता है, डिस्चार्ज होता है। तो जब ये विद्युत का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक ऐसी संवेदी प्रोड्यूस करता है मनुष्य के शरीर में कि उसको दौरा जैसा आ जाता है। तो इस दौरे आने को हम कहते हैं दौरा। एक अगर दौरा आता है तो उसको हम कहते हैं दौरा, और अगर ये बार बार आ जाए तो इसको अपन कहते हैं मिर्गी। तो इस तरह से एक दौरे को ही हम मिर्गी नहीं कहते, लेकिन अगर यदि बार बार ऐसे दौरे आए तो हम उसको मिर्गी कहते हैं। देखिए, मिर्गी लोगों में कई भ्रांतियां हैं कि ये जादू टोने से होता है, ऊपर की हवा है या भूत प्रेत है, लेकिन ये सब गलत है। मिर्गी में ये देखा गया कि 60-70% मरीजों में तो हमें ये नहीं मालूम होता कि मिर्गी क्यों होती है। उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक टाइप ऑफ वैरायटी, और केवल 30% मरीजों में हमको मालूम होता है कि मिर्गी क्यों होती है। तो ये इसके कई कारण हैं। इसके जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, इन्फेक्शन्स होते हैं, जैसे कि माथे में टीबी हो गई और वायरल इन्फेक्शन्स हो गए, सर में चोट लग गई, और आजकल एक तरह का विशेष कीड़ा है जो कि हमें बिना धुली हुई सब्जियां और फल अगर हम खा लेते हैं तो उनके जरिए पेट के अंदर चला जाता है और फिर उसको दिमाग में पहुंच जाता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं सिस्टिसर्कोसिस। वैसे तो ये मांस खाने वाले आदमियों में होती थी पहले, लेकिन आजकल सलाद खाने वाले में भी होने लग गई। तो इसका प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है इन दिनों, क्योंकि गंदे नाली में सब्जियां उगाई जाती हैं और उन्हीं को हम बिना धुली भी खा लेते हैं। और भी कई कारण होते हैं इसमें, जैसे कि शुगर कम हो जाना, दवाइयों का सेवन, मदिरा का सेवन, नशे की दवाइयों का सेवन, तो ये आदि भी ये कारण काफ़ी हैं। देखिए, मिर्गी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, और एक को हम कहते हैं फोकल एपिलेप्सी या पार्शियल एपिलेप्सी। तो जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है उसमें दिमाग के अंदर पूरे में तरंग फैलती है और चारों हाथ पैर धूल सकते हैं। मरीज को आपने देखा होगा ज़्यादातर यही दौरा पड़ता है, जिसमें कि हाथ पैर धूलने लग जाते हैं, मुँह टेढ़ा हो जाता है, जीभ कट जाती है, पेशाब निकल जाता है और झाग आ जाते हैं मुँह में, और वो बेहोश हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। अच्छा, ये एक जनरल वैरायटी है। एक दूसरी वैरायटी है मायोक्लोनिक सीजर्स, जिसको कि हम कहते हैं जनरलाइज मायोक्लोनिक सीजर्स। में मरीज को जीभ नहीं कटती लेकिन उसको झटके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। अब दूसरी वैरायटी जो देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स। तो वो दो तरह के होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स, जिसमें कि एक हाथ या एक पैर या मुँह का एक हिस्सा हिलने लग जाता है लेकिन मरीज को बेहोशी नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स। और दूसरा वैरायटी है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर,
जिसमें कि मरीज को बेहोशी आ जाती है, उसका एक हिस्सा हाथ हिलता है, पैर हिलता है, या मुंह में से आवाज़ निकलने लग जाती है, या वह हाथ के अपने कोट के बटन और अनबटन करने लग जाता है, तो इस तरह की वैरायटी या आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ करने लग जाता है, तो इस वैरायटी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। अब आपको मैं कुछ और वैरायटी बताऊं जो कि कम देखने को मिलती है, जिसका कम ही कई एरियाज़ में देखने को ज़्यादा मिलती हैं। जैसे साउथ में हम देखते हैं उसको हम कहते हैं हॉट वाटर एपिलेप्सी या बेदिंग एपिलेप्सी। तो कई लोग नहाने जाते हैं और अगर गर्म पानी सर के ऊपर डाल लेते हैं तो उनको दौरा आ जाता है, कई बार ठंडे पानी से भी आ जाता है। तो इस तरह की एपिलेप्सी को हम कहते हैं बेदिंग एपिलेप्सी। तो अगर किसी देखें तो इसका इलाज संभव है। इसी तरीके से एक एपिलेप्सी होती है जिसको हम कहते हैं रीडिंग एपिलेप्सी। तो रीडिंग एपिलेप्सी में क्या होता है कि मरीज जैसे ही कोई किताब पढ़ता है, कई लोगों को अखबार पढ़ने से आ जाता है, कई लोगों को अपने कोर्स की किताब पढ़ने से आ जाता है, ज़रूरी नहीं सर किताबों से पढ़ने से आए। तो इस तरह की भी एपिलेप्सी देखी गई है जिसको कि हम कहते हैं रीडिंग एपिलेप्सी। इसका भी इलाज पूरी तरह से संभव है, इलाज लेना चाहिए और इससे घबराने की दरकार नहीं है। एक और वैरायटी मैं आपको बताता हूँ जिसको हम कहते हैं ईटिंग एपिलेप्सी। तो इसमें मरीज कई बार खाना खाता है, खाना खाते खाते उसको दौरा आ जाता है, उसके मुँह से लार गिरने लग जाती है और वो एक टक देखने लग जाता है। तो इस तरह की एपिलेप्सी को कहते हैं हम ईटिंग एपिलेप्सी। तो ये कई तरह की एपिलेप्सियाँ हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। देखिए, ये मिर्गी रोग का इलाज हम ये कहते हैं कि अगर मरीज नियमित रूप से दवाई ले डॉक्टर के कहे अनुसार, तो 60-70% रोगियों में इसका पूर्ण इलाज संभव है। जो मन में धारणा है लोगों के कि ये इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन ये गलत है धारणा। हमने देखा है कि 60-70% रोगियों की अगर नियमित रूप से दवाई ले और डॉक्टर के चिकित्सक के कहे अनुसार वो चलता है, तो उसके दौरे पूर्ण रूप से कंट्रोल भी हो जाते हैं और दवाई भी बंद हो सकती है। ये देखा गया है कि कुछ 30% लोगों में, कुछ के इसमें से भी करीब 10-15% रोगों के दौरे काफ़ी कम हो जाते हैं, वो पूरी तरह से बंद नहीं होते लेकिन काफ़ी कम हो जाते हैं। केवल ऐसे 5-10% रोगी ही बचते हैं जिनको कि हम दवाई देते हैं और उनके दौरे आते रहते हैं। तो इस तरीके से दवाई मिर्गी की रोगी घबराएं नहीं, उनका पूरे रूप से इलाज संभव है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। और अगर उसको जो ज़रूरत है वो है योग्य चिकित्सक पकड़ने की और साथ में नियमित रूप से दवाई लेने की। जिन 10-5% रोगियों के दौरे हम दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसे मरीजों के लिए आजकल शल्य चिकित्सा भी अवेलेबल है। और शल्य चिकित्सा की वजह से उन 10-15% रोगियों को भी हम फायदा दे सकते हैं। उनके दौरे या तो बंद हो जाते हैं या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, उनकी दवाइयां काफ़ी कम हो सकती हैं। तो इसलिए आजकल ये शल्य चिकित्सा की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ दिल्ली में, साउथ में, हैदराबाद में बहुत जगह अवेलेबल है और अभी जल्दी शीघ्र ही हमारे यहाँ जयपुर में भी चालू होने वाली है। मिर्गी रोगियों को मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एक मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है मिर्गी समझो, अंग्रेजी में MIRGISAMJHO टाइप करें और इसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड हम निशुल्क कर सकते हैं। इस मिर्गी समझो नामक ऐप में सब तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है मिर्गी रोग के बारे में, और आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी है, उसका रिमाइंडर लग सकता है और बाकी सब जानकारियाँ भी आपको इससे प्राप्त हो सकती है। ये इसके इलाज में, मिर्गी रोग के इलाज में काफ़ी सहायता दे सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस मिर्गी समझो नाम के ऐप को आप निःशुल्क डाउनलोड कर दें।